एक घना सा जंगल था। गर्मियों का मौसम था। सारे जानवर गर्मी से बहुत परेशान थे। उस जंगल में दो दोस्त थे, शेर और बाघ। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिकार जो भी मिलता दोनों मिल बांट कर ही खाते थे। जंगल के सारे जानवर उनसे बहुत डरते थे और उनकी दोस्ती को देखकर हैरान भी रहते थे। एक दिन शेर बोला, अरे दोस्त, गर्मी अब बढ़ गई है और जंगल में पानी की बहुत कमी हो रही है। हाँ मेरे यार, पता नहीं कब बारिश होगी। और इस गर्मी की वजह से जानवर ज्यादातर जंगल में नहीं घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी गुफा में बैठे हैं। हाँ, इसकी वजह से शिकार भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो दोस्त, आज कुछ शिकार करते हैं। बहुत दिनों से आज कुछ अच्छा खाते हैं। हाँ दोस्त, चलो। धूप बहुत ज्यादा थी। दोनों दोस्त शिकार की तलाश में निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद एक भैंस मिलती है। उसका शिकार करते हैं और पेट भरकर खा लेते हैं। भोजन खत्म होने के बाद दोनों को प्यास शुरू हो जाती है। मेरा तो पेट ही भर गया। आज बहुत मजा आया। आज का शिकार बहुत स्वादिष्ट था। सच में मजा तो आ गया, लेकिन अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो पानी भी ढूंढते हैं। आप दोनों दोस्त पानी की तलाश में निकलते हैं। दोनों बहुत दूर चलते चलते खोजते रहते हैं। उन्हें एक छोटा सा झरना दिखता है जिससे बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था। पानी को देख दोनों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तभी शेर कहता है, चलो शुक्र है पानी मिल तो गया। हाँ पानी बहुत धीरे आ रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले पानी मैं पी लेता हूँ, फिर मेरे बाद तुम पी लेना। अरे ऐसा क्यों, मुझे बहुत प्यास लग रही है, शेर ने कहा। पहले पानी मैं पीऊंगा, बाद में तुम पी लेना। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पहले पानी मैं पीऊंगा, तुम बाद में पियोगे। और इस तरह दोनों दोस्तों में झगड़ा शुरू हो गया और पानी की वजह से उनकी सालों पुरानी गहरी दोस्ती टूट जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पानी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। खरगोश की सीख। एक घना जंगल था। जंगल में एक सुंदर सा खरगोश था। जंगल के सारे जानवर बहुत मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी खरगोश के पास आता है और कहता है, दोस्त तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी की बात सुनकर खरगोश कहता है, तुम बहुत बड़े जानवर हो, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे तुम्हारे दोस्ती की जरूरत नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। मेरे पास भालू है, लोमड़ी है, बंदर है और भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं उनके साथ खेलूंगा। खरगोश की ये बात सुनकर हाथी बेचारा उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। इतने में खरगोश के दोस्त वहां आते हैं। बंदर, लोमड़ी, भालू, जिराफ सब खरगोश को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी लोमड़ी कहती है, दोस्त जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे बेर लगे हैं, चलो हम सब मिलकर वहां जाते हैं और इन बेरों को तोड़कर खाते हैं। सारे दोस्त मिलकर पेड़ के पास जाते हैं। बंदर और खरगोश पेड़ पर चढ़कर सारे बेर तोड़ लेते हैं और सब दोस्त मिलकर बेर बांट लेते हैं। भालू खरगोश के पास ज्यादा बेर देखकर खरगोश से कहता है, दोस्त आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, मुझे भी तुम जैसा सुंदर बनना है, मैं क्या करूं? वैसे दोस्त तुम्हारे पास बहुत सारे बेर हैं, थोड़े बेर मुझे दे दो, मुझे आज ज्यादा भूख लग रही है, मेरे पास बहुत कम बेर है। खरगोश भालू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता और अपने पास के थोड़े बेर निकालकर भालू को दे देता है। ये देखकर बाकी के जानवर भी उसकी तारीफ करते हैं। खरगोश खुशी के कारण अपने पास के सारे बेर उठाकर दोस्तों में बांट देता है। अब खरगोश के पास एक भी बेर नहीं था। खरगोश मन ही मन सोचता है, मेरे दोस्त मुझसे कितना प्यार करते हैं, ऐसे दोस्त मिलना मेरी खुशनसीबी है। खरगोश को अपने दोस्तों को देखकर घमंड आ गया था।
एक दिन एक शेर भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक शेर की नजर खरगोश पर पड़ी। शेर खरगोश को देखकर जोर से घुर्राता है। खरगोश शेर को देखकर डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। खरगोश के पीछे शेर भी भागने लगता है। खरगोश भागते भागते भालू के पास जाता है और भालू से कहता है, दोस्त, एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे खाना चाहता है, मेरी मदद करो। अरे मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत भूखा हूँ, अगर शेर ने मुझे खा लिया तो मैं क्या करूँगा। जाओ यहाँ से जाओ, कहीं और जाकर मदद मांगो, लोमड़ी शायद तुम्हारी मदद कर देगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। खरगोश भागते भागते लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है, दोस्त इस जंगल में एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे खाना चाहता है, अब बहुत दूर, वो भी बहुत दूर है, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा आश्रय दे दो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की और बाद में वो शेर मुझे भी खा जाएगा तो? चलो जाओ जल्दी से जाकर बंदर और जिराफ से मदद मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। खरगोश उदास होकर बाकी दो दोस्तों के पास भी जाता है, वो भी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इतने में शेर खरगोश के करीब आ जाता है और खरगोश डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इतने में वहां हाथी आता है। हाथी अपनी सूर से शेर को जोर से मारता है। शेर हाथी को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। अपनी जान बचाने के लिए खरगोश हाथी से कहता है, दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें मैंने अपना दोस्त माना उन्हीं ने आज मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुमसे दोस्ती करने से मना कर दिया था, फिर भी तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। उस दिन से हाथी और खरगोश दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे और खरगोश को भी एक अच्छी सीख मिली, क्या कि जो मुश्किल वक्त में काम आए वही आपका सच्चा दोस्त होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।